आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की जो मुख्य क्रियाविधियां होती हैं उन क्रियाविधियों को एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस पॉसिबल हैं उनमें से अधिकांश अभिक्रियाएं इन तीन क्रियाविधियों में से किसी एक क्रियाविधि को फॉलो करते हैं। ये तीन जो क्रियाविधियां हैं उनमें नंबर एक योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। नंबर दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। और तीसरी जो कैटेगरी है, थर्ड जो कैटेगरी है वो है विलोमन अभिक्रिया क्रियाविधि की, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन को लें, प्रतिस्थापन को लें, तो वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये तीन कैटेगरी जो है इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोस्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि, और तीसरा जो टाइप इसका वो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो तीन कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। वो क्यों तीन कैटेगरी यहां पर रिपीट करनी है, देन लास्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वहां पर ई1 मैकेनिज्म और ई2 मैकेनिज्म। एलिमिनेशन का ई यूज में लिया गया है, वन मोनोमॉलिक्यूलर एक अणु, ई2 डायमॉलिक्यूलर द्वि अणु, ये इनकी फर्दर कैटेगरी बच जाए। इन जितने भी मैकेनिज्म होंगी तीन तो मेन और फर्स्ट वाले में तीन कैटेगरी, सेकंड वाले में तीन कैटेगरी और थर्ड वाले में दो कैटेगरी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उनमें लगभग लगभग सारी रिएक्शंस इन मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और इन्हीं सारी मैकेनिज्म को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं योगात्मक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म की।
एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में तीन सब कैटेगरी आएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक, सबसे लास्ट में फ्री रेडिकल। सबसे पहले चर्चा कर ली जाए इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कौन से स्पीसीज को इलेक्ट्रोस्नेही कहते हैं और कौन से स्पीसीज को नाभिक स्नेही कहते हैं। अंतर तो पता हो दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं एल्कीन, एच एक्स का एडिशन करवाना था, एडिशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एक्स। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ये या ये या ये तीन में से कोई सा एक मैकेनिज्म ये रिएक्शन यूज में ले रही है और प्रोडक्ट बना रही है। तो सबसे पहले चर्चा कर ली जाए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स होते थे। जब एडिशन रिएक्शन लोग करवा रहे इसी से एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब एच एक्स हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है इसका एच का पॉजिटिव एच का नेगेटिव देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है उनको हमें इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, ये जो स्पीसीज है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच उनको हम न्यूक्लियोफाइल बेस्ड इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है वो सारे स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक्स पॉजिटिव एच पॉजिटिव आर पॉजिटिव ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अष्टक न्यून ऑक्टेट डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक बी एक्स थ्री ए एन एक्स थ्री ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं और मल्टीपल बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन जुड़ा है किसी मॉलिक्यूल में CO2 या SO3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। तो
कुल मिला के ये कह दीजिए तीन तरह की स्पीसीज जनरली जिनको हम लोग यूज करेंगे उन्हें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या ओपेक डेफिशिएंट स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड से ऑक्सीजन या कह दीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम या हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा हो। इसके अलावा कार्बन नाइट्रीन ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इनको न्यूक्लियोफाइल को देख लेते हैं। इसको समझने के लिए तो एक और भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज या ऐसी स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जा सकता है। उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जा सकता है बशर्ते वो अटैक करे कार्बन। यदि ये स्पीसीज अटैक करती है हाइड्रोजन विद पॉजिटिव तो इनको हम लोग बेस के सपोज कीजिए मेरे पास था NH2 नेगेटिव R नेगेटिव X नेगेटिव या H2O विद बेयर NH3 विद बेयर अल्कोहल विद बेयर तो नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज या पेयर वाली स्पीसीज उसी कंडीशन में न्यूक्लिफाई कर लेंगे जब वो अटैक करते हैं कार्बन। और यदि इन्होंने कार्बन की बजाय अटैक किया हाइड्रोजन पॉजिटिव पर तो इनको न्यूक्लिफाई नहीं कहा जाएगा तब इनको बेस कहा जाएगा। तो हमने आज के इस वीडियो में इतना देखा कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगी उन सारे रिएक्शंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उन तीन कैटेगरी में तीन तीन कैटेगरी और बना दी है दोनों में ग्लोबल में दो रखी थी हमने। इन सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कौन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही के रिगार्डिंग हमने ये देखा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज हैं वो ऑक्टेट डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो और अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो मॉलिक्यूल और कार्बन और नाइट्रोजन जो इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स तो उन स्पीसीज को कहा गया जिनपे चार्ज नेगेटिव या जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बट उनको तो बेस भी कह सकते हैं। हाँ बेस भी कह सकते हैं बशर्ते ये स्पीसीज अटैक करे हाइड्रोजन का। अगर इनका अटैक किसी कार्बन पर होगा तो इनको बेस नहीं कहा जाएगा तब इनमें से
ये क्या ये उस दौरान एज ए न्यूक्लियोफाइट कहलाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग इन रिएक्शंस मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होगा और फ्री रेडिकल एडिशन कहाँ पॉसिबल होगा, किन किन कंडीशंस में ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगे।